करीना कपूर 2 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है यार। उनकी फिल्म द क्रू का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया, या यूं कह लो कि टीजर रिलीज किया गया। भाई मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है टीजर, कैसे आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फटाफट से सारे काम छोड़कर इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना यार। हाय गाइस, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चैट गर्ल। टीजर की शुरुआत होती है इस वाले डायलॉग के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। और भाई ये डायलॉग और ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद मुझे याद आता है माधुरी दीक्षित वाला गाना, और उस टाइम पर जितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो याद आती है। लेकिन यार एक चीज तो कहनी पड़ेगी, जो भी है इस चीज को देखने में मजा बढ़ा रहा है, जिस नॉटीनेस के साथ ये दिखा रहे हैं ना और जिस फनी अंदाज के साथ ये डायलॉग बोला गया, ये मेरी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा रहा है करीना कपूर की नई मूवी देखने के लिए। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पीछे से आवाज किसकी आती है ये अभी तक मैं नहीं गेस कर पाई हूँ। मेरे को एक बार नसीरुद्दीन शाह की लगी है, एक बार वो बसी है उनकी लगी है। आपको किसकी आवाज है, किसकी आवाज में ये डायलॉग है अगर पता चल गया हो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। और फिर एंट्री होती है करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की। भाई साहब इन तीनों का चेहरा नहीं दिखाया गया है पूरे के पूरे अनाउंसमेंट वीडियो में, लेकिन देखकर पता चल गया कि भैया ये एयर होस्टेस होने वाली है। और उनकी ड्रेस भैया क्या बताऊं यार मैं आपको, मतलब ये जो पीछे पल्लू ऐड किया है ना, हमने आज तक कभी किसी एयर होस्टेस की ड्रेस में पल्लू नहीं देखा। ये मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है कि भाई साहब फिल्में आखिरकार होने क्या वाला है। टीजर में सिर्फ ये बताया कि ये कब रिलीज होने वाली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भैया मेरे हिसाब से कहानी क्या हो सकती है वो फिलहाल आपको बताती हूँ। ये तीनों एयर होस्टेस हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और ये प्लेन में काम करती है। जितना काम इनका आसान दिखता है ना उतना काम आसान नहीं हो सकता। ये विमेन सेंट्रिक फिल्म होने वाली है। बाकी यार इस फिल्म में पता चला है कि कपिल शर्मा भी कैमियो करने वाले हैं, और कपिल शर्मा मूवी में होते हैं तो मूवी रुकी सुखी, अरे पॉसिबल है यार, उन्हें तो सूखी रोटी खाना तक पसंद नहीं है यार। तो ये सारा नकली सामान लगा के घूम रही हो, उड़ जाएगा। और मूवी एक कॉमेडी भरपूर होने वाली है, थिएटर में बैठकर अपने दांत संभाल कर रखिएगा। इन तीनों चारों के अलावा दलजीत दोसांझ भी आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। आपको उनकी लास्ट मूवी याद है अक्षय कुमार के साथ आई थी गुड न्यूज, यार सीरियसली कुछ भी कहो बंदा स्क्रीन पर आता है ना तो हंसा कर चला जाता है। अगर आप उनकी पंजाबी मूवी देखोगे ना तो आपको ये पक्का फील हो जाएगा। एकता कपूर, रिया कपूर इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, और इससे पहले करीना कपूर ने हाथ मिलाया था वीरे दी वेडिंग के लिए। अच्छी मूवी थी, मतलब एंटरटेनिंग थी, मुझे पसंद आई थी वो मूवी। शादी अपने लिए कर रहे हैं या इन लोगों के लिए, हल्दी मेहंदी चिवड़ा दाल, विमेन सेंट्रिक थी और ये वाली मूवी भी वुमेन सेंट्रिक होने वाली है। इन तीनों की कहानी हमें दिखाई जाएगी। बाकी यार मैं तो इस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि कपिल शर्मा और दलजीत दोसांझ क्या करने वाले हैं इस मूवी में, और करीना कपूर जो 2 साल बाद वापसी कर रही है बड़े पर्दे पर। जाने जावे उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी, नेटफ्लिक्स पर आई थी, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब वो कैसा काम करने वाली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बाकी फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना।